चिकन है, प्रोटीन है और आयरन बहुत ज़्यादा है, बहुत हेल्दी कबाब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मुर्ग हरियाली कबाब। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक मैरिनेट तैयार करना है। हरियाली कबाब है तो मैरिनेट में हरी सब्जियां, हरी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। हरी चीज़ में सबसे पहले हम लेंगे मिंट लीफ, यानी कि पुदीना की पत्ती। जी हाँ, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेश पुदीना लें आप, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। लोग ड्राइड यूज़ करते हैं, लेकिन ड्राइड यूज़ ना करें आप। एक बंच अच्छी क्वांटिटी में डाल दें पुदीना, इसके साथ डालें हरी धनिया। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है तो हरी धनिया भी दिल खोल के डाल दें। अब इसमें डालें आधा इंच अदरक, काट के अदरक इसके अंदर, दो कलियां लहसुन की, बड़ी कलियां हैं मतलब आप छोटी हैं तो चार डाल दें। हमने अदरक डाल दिया, लहसुन डाल दिया, अब इसमें हम डालते हैं एक हरी मिर्च, थोड़ा तीखापन देगी, और साथ में दही। तो दही इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दही और थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार। नमक डालने के बाद इसमें डालें थोड़ा सा नींबू चिकन को टेंडर करने के लिए, और थोड़ी सी खटास क्रिएट करेगा ये। और अब इसको पीस कर हमारा मैरिनेट तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो हमारा मैरिनेट तैयार हो चुका है, ये हमारा हरा भरा मैरिनेट। तो चलिए अब इसमें चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो लेते हैं चिकन, तकरीबन 250 ग्राम चिकन ले लें आप, छोटे पीसेस में कटा हुआ, छोटे पीसेस में काटने से चिकन जल्दी पकता है। वैसे तो मैरिनेटेड चिकन है, वैसे भी जल्दी पकेगा, लेकिन और भी जल्दी पकेगा। तो ये चिकन, और अब हम चिकन में डालेंगे जो हमने मैरिनेट तैयार किया है वो। और अब इसको अच्छी तरह से मिला दें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू और डाल दें ताकि चिकन टेंडर हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस, और एक बार वापस मिला लेते हैं। अब आप इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए, और मैक्सिमम टाइम है इसका 16 से 17 घंटे, लेकिन 1 घंटे में भी अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। इसमें गरम मसाला नहीं डाला है क्योंकि फ्रेशनेस ही इसकी खासियत है, और चूंकि सारे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी फ्रेश हैं, मिंट है, कोरिएंडर है, तो काफ़ी फ्रेश कबाब होता है। तो चलिए अब इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। मुर्ग हरियाली कबाब को, जिसको हमने मैरिनेट करके रखा है, 2 घंटे हो चुके हैं, वो अब कुछ इस तरह दिख रहा है। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करने के बाद सबसे पहले डालें तेल, थोड़ा सा तेल डालें 1 चम्मच के करीब, और तेल को फैला लें। तेल अच्छी तरह से फैल जाए। इसके बाद इसमें हमें डालनी है थोड़ी सी दालचीनी। जी हाँ, इसमें थोड़ी दालचीनी डालनी है, और एक छोटी इलायची भी डालनी है। ये थोड़ी सी दालचीनी इसके अंदर, साथ में एक छोटी इलायची भी डाल दें, और इसको थोड़ा सा तेल में इसका फ्लेवर आ जाए। इतना पकाना है। चलिए अब ये दालचीनी और इलायची पक चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। थोड़ी सावधानी बरतें डालते समय, उछलेगा। इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पकने दें,
उसके बाद पलट कर बचा हुआ मैरिनेट भी इसके ऊपर डाल दें। पीसेस को पलट देंगे एक मिनट में। अब आप चाहें तो पीसेस पलट सकते हैं। अब हमने सारे पीसेस पलटा दिए, तो जो बचा हुआ मैरिनेट था वो इसके ऊपर डाल दें और तेज आंच पर इसको भून लें। तीन चार मिनट तक पकाना है हमें अच्छी तरह से। तो देखिए दो से तीन मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। आप किसी चिकन का पीस को लें और उसको ऐसे प्रेस करें तो टूटता है। अगर ये जैसे कि ये देखिए ये टूट गया, इसका मतलब है कि आपका चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। तो हमारा चिकन पक गया है, एक बार इसको टॉस करेंगे और अब इसको सर्व करेंगे। और इसको गार्निश करें आप पुदीना का बंच ले लें, हरी धनिया का बंच ले लें। हरा भरा कबाब है तो ज़रा हरा भरा गार्निश हो तो अच्छा लगता है। हरी मिर्ची भी रख दें और आप चाहें तो पुदीना और धनिया की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेंगे।